Hello students, welcome to RPM Rectifying Physics Minds. मैं सुजीत कुमार, बीटेक फ्रॉम NIT राउरकेला. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज यूनिट एंड डायमेंशन का पहला लेक्चर. जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स का ये पहला चैप्टर होता है, बेसिक चैप्टर है. इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है. पहला चैप्टर है, एकदम बेसिक, आपको आइडिया भी होगा. और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एकदम आइडिया नहीं है तो आप बेफिक्र रहें, आपके लिए बहुत अच्छी बात है. अगर आपको एकदम से आइडिया नहीं है, इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको अच्छे से मैं मोल्ड कर पाऊँगा इस चैप्टर के लिए. चलिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में. फिजिक्स क्या होता है, तो आप बहुत लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा, आपको पता होगा जो आप देख रहे हो, फिजिक्स क्या होता है. डेफिनेशन सारी किताबों में लिखा रहता है, तो आप देख लीजिए डेफिनेशन लिखा हुआ है. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विथ मेजरमेंट, है ना, और नेचुरल फेनोमेना के बारे में बताता है, है ना, नेचुरल फेनोमेना के बारे में बताता है. क्या करता है फिजिक्स? मेजरमेंट के साथ किसी भी चीज़ को वो क्या करता है, डील करता है. किसी भी चीज़ को अगर मेजर करना हम लोगों को, तो क्या करेगा, फिजिक्स बताएगा. जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड का लेंथ हम लोगों को मेजर करना है ना, क्या मेजर करना है, बोर्ड का लेंथ मेजर करना है. तो ये क्या मेथोडोलॉजी होगा, कैसे हम लोग इस बोर्ड के लेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग मेजर करेंगे इसको, तो फिजिक्स बताएगा हम लोगों को कि इस बोर्ड का लेंथ हम लोग कैसे मेजर करेंगे. जैसे मान लीजिए पेन है, इसका मास कितना है, इसके मास को मेजर करना है, तो कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा, है ना. बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है, अब इसको फेंक दिया तो यहाँ से कितनी वेलोसिटी से फेंका, इस वेलोसिटी को मेजर करना है, या फिर फेंकने के बाद कितने टाइम बाद हमारे हाथ में वापस आया, ठीक है, उस टाइम को मेजर करना है, तो कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा, ठीक है. चलिए हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है कि ऐसा क्वांटिटी जिसके साथ नंबर और यूनिट अटैच कर दें, ठीक है ना, नंबर और यूनिट अटैच कर दें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. और सिंपल से भाषा में हम लोग बोले तो हम लोगों ने बोला कि फिजिक्स क्या करता है, तो मेजर करता है. तो आप ये समझ जाओ कि जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी. अभी हम लोग क्या क्या मेजर कर रहे थे, बोर्ड का लेंथ मेजर कर रहे थे, इस पेन का मास मेजर कर रहे थे, इसका वेलोसिटी मेजर कर रहे थे, ऐसे हमने थ्रो किया था इसको तो कितने टाइम बाद हमारे हाथ में वापस आया था, इसको मेजर कर रहे थे हम लोग. तो इन ये सारे क्वांटिटीज, वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, जिसको भी आप मेजर कर सकते हो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है. तो मैंने बोला आपको कि फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ नंबर और यूनिट अटैच करते हैं, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ, ठीक है ना. और फील करने के लिए क्या डेफिनेशन हुआ, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है. तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोला कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना. अब देखिए मेजरमेंट, मैंने इसमें बोला आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बताया कि इसको हम लोग इसके साथ नंबर और यूनिट क्या करना है, अटैच करना है. जैसे मान लो ये लेंथ है, तो लेंथ के साथ हमने नंबर और यूनिट क्या करना है, अटैच करना है. तो लेंथ को मैंने लिख दिया 2 मीटर, ठीक है. तो लेंथ के साथ हमने क्या क्या अटैच किया, एक नंबर अटैच कर दिया और एक क्या कर दिया, मीटर, मतलब यूनिट को हमने अटैच कर दिया इसका. अब देखो मान लो मैंने बोला कि बोर्ड के लेंथ के साथ नंबर और यूनिट क्या करो, अटैच करो, ठीक है. बोर्ड के साथ नंबर और यूनिट क्या करो, अटैच करना है. तो आप अपने मन से ऐसे पगला थोड़ी हो कि फट से आप अटैच कर दोगे 2 मीटर सर, 4 मीटर सर, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना. आप इसको क्या करोगे, मेजर करोगे, ठीक है ना. आप इसको क्या करोगे, मेजर करोगे, मतलब इसके साथ आप नंबर और एक यूनिट अटैच करोगे, ठीक है ना. तो अब आपने कैसे इसको अटैच किया, ठीक है ना. तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, आपने स्केल लिया होगा, ठीक है, और स्केल का आपने 0 रीडिंग यहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे 0 रीडिंग रखा होगा, और यहाँ पे ऐसे लेके आया होगा, और यहाँ पे अगर ये कोइंसाइड किया होगा, और यहाँ पे कोइंसाइड करा होगा 2 के साथ, तो आपने बोला कि सर इसका बोर्ड का लेंथ का जो बोर्ड का जो लेंथ है वो क्या है, 2 मीटर है. तो आपने बोला कि 2 मीटर है ये. तो मान लो इसका आपने लेंथ मेजर किया, ठीक है, तो आपने इसका लेंथ आपने मेजर किया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, स्केल लिया, यहाँ पे स्केल का 0 रीडिंग लिया, और स्केल को ऐसे ले गए ले गए ले गए ले गए, और यहाँ पे कोइंसाइड करके लेंथ का 2 वाला रीडिंग. तो आपने क्या बोला कि सर इसका जो लेंथ है वो क्या है, 2 मीटर है, ठीक है. तो हमने लिख दिया क्या, 2 मीटर. तो हमारा प्रोसेस क्या था, इसके लेंथ के साथ नंबर और यूनिट अटैच करने का क्या था प्रोसेस. तो प्रोसेस यह था कि हमने एक स्केल लिया और उसका 0 यहाँ पे रखा, और उसको यहाँ पे ऐसे लेंथ देखे, और यहाँ पे हमने कोइंसाइड कराया, और कोइंसाइड किया 2 पे, तो हमने बोला कि इसका लेंथ क्या है, 2 मीटर है. बहुत बढ़िया भाई. चलिए
अगर मान लीजिए कि हमें इसका मास मेजर करना है, तो मास मेजर करने का बहुत सारा तरीका होता है। आजकल तो डिजिटल वेट मशीन भी आता है, या फिर हम लोग गांव में मेजर करते हैं तराजू से, ऐसे रखते हैं इसको और इधर की तरफ बैलेंस करते हैं, तो वहाँ से मास मेजर करते हैं। तो इसके मास को मान लो, इसका मास मैंने मेजर किया और इसके मास को हमने क्या लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया इसको 500 ग्राम लिख दिया, ठीक है। तो इसके मास के साथ हमने क्या अटैच किया, एक नंबर अटैच किया ना, और एक क्या अटैच किया, यूनिट अटैच किया। तो देख रहे हो ना, हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, हमने मेजर किसको किया, लेंथ को, मेजर किसको किया, मास को, ठीक है। मेजर करने का मतलब क्या हुआ कि लेंथ के साथ, मास के साथ, नंबर और यूनिट क्या किया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इसके लेंथ और मास के साथ हमने क्या किया, नंबर और यूनिट को अटैच कर दिया। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमने एक तरीके से इनडायरेक्टली हमने क्या किया, इसका मेजरमेंट किया। अगर मैं बोलूँ कि टाइम के साथ नंबर और यूनिट अटैच करो, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल भाषा हो गया, टेक्निकल भाषा हो गया, ठीक है ना। आपको क्या समझ में आना चाहिए कि टाइम के साथ ओ नंबर और यूनिट अटैच करना है, इसका मतलब क्या करना है, हम लोगों को उसको मेजर करना है, ठीक है। तो हमने इनडायरेक्टली लेंथ और मास को क्या किया, मेजर किया। बहुत बढ़िया भाई, चलिए। तो हमने जो प्रोसेस अपनाया, मैंने आपको बताया कि हमने जो प्रोसेस अपनाया, लेंथ का 0 यहाँ पे रखा, यहाँ पे 2 के साथ कोइंसाइड करा, तो हमने कर क्या रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे। इस लेंथ का क्या कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे। इसके मास को हमने इसको हमने तराजू पे रखा और ऐसे बैलेंस किया, 500 ग्राम आया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इनडायरेक्टली मेजर कर रहे थे। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग मेजरमेंट को क्या कह सकते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है जी, द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग अ नंबर एंड यूनिट विथ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, मेजरमेंट, ठीक है ना। मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के साथ नंबर और यूनिट क्या कर दे, अटैच कर दे, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। अब देखो, मेजरमेंट तो हमने कर लिया, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक्सप्रेस करने का मतलब कि हमें दिखाना कैसे है। कोई बोला कि इसको मेजर करो, तो हमने तो मेजर कर दिया, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा ना एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है, लेंथ को हमने क्या किया है, 2 मीटर एक नंबर और यूनिट के साथ हमने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है ना। तो मेजरमेंट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मान लो हमने किसी एम क्वांटिटी को हमने क्या किया, मेजर किया, ठीक है, तो एम लिख दिया, ठीक है, और एक क्या रहेगा, नंबर रहेगा, और एक क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, मेजरमेंट को इस तरह से एक्सप्रेस किया, ठीक है। आपको समझ में आया क्या, मेजरमेंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मेजरमेंट को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एम इक्वल्स टू एन यू, मतलब एन इज व्हाट, एन क्या कहलाएगा बताइए, नंबर, है ना, एन क्या कहलाएगा, नंबर, और यू क्या कहलाएगा, यूनिट, और एम क्या कहलाएगा जी, मेजरमेंट, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग मेजरमेंट क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मेजरमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो देखो, अगर मान लो किसी ने बोला लेंथ जो है इस बोर्ड का 2 मीटर है, ठीक है, और मैं बोला कि नहीं भाई साहब, लेंथ तो इसका 2 मीटर नहीं है, मैंने क्या बोला, इसका जो लेंथ है ना 200 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब बोलो मैं गलत बोला क्या, नहीं मैं तो गलत नहीं बोला, क्या तुमने गलत बोला, तो नहीं तुमने भी गलत नहीं बोला, हम दोनों सही है भाई, ठीक है ना। हमने क्या किया कि हमने नंबर जब चेंज किया ना, तुमने बोला 2, हमने बोला 200, तो एक बात हमने ध्यान रखा, जब हमने नंबर चेंज किया ना, तो हमने क्या किया, यूनिट भी चेंज कर दिया, ठीक है ना। हमने नंबर चेंज करते टाइम हमने क्या किया, यूनिट को भी चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो एक 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 बात आप ध्यान रखना, आपने छोटा नंबर रखा है ना, हमने क्या रखा, बड़ा नंबर, और आपने क्या रखा है, बड़ा यूनिट रखा, हमने क्या रखा, छोटा यूनिट। हम क्या है? ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि नंबर छोटा होगा तो यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा, और नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटा होगा, है कि नहीं। मतलब एक हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे बन के तैयार है, पहला प्रॉपर्टी कि नंबर छोटा होगा तो यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा, और नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटा होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को लिखना है आपको, चलो लिख लो, स्मॉलर स्मॉलर द नंबर स्मॉलर द नंबर ग्रेटर इज द यूनिट। आई बस समझ में, ठीक है। अब देखो, जब
दो मीटर आपने लिखा था, मैंने लिखा था 200 सेंटीमीटर, तो मैंने तो भाई साहब नंबर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो यूनिट भी तो चेंज किया। आपने बोला 2 मीटर, मैंने बोला 200 सेंटीमीटर, तो क्या मैंने ज़्यादा लेंथ बोल दिया? ज़्यादा लेंथ नहीं बोला। आपने बोला कि इस बोर्ड का लेंथ है, चलो इस डस्टर का लेंथ क्या है, 2 मीटर है, ठीक है। मैंने बोला कि नहीं, दो मीटर नहीं है, 200 सेंटीमीटर है, तो क्या मैंने गलत बोला क्या? क्या इसका लेंथ बढ़ गया? लेंथ बढ़ा नहीं है, ठीक है ना। आई बात समझ में ना, इसका लेंथ क्या हुआ, बढ़ा हुआ नहीं है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि नंबर चेंज करोगे तो यूनिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। 2 से 200 कर रहे हो तो मीटर से आपको कुछ और यूनिट लगाना होगा, अप्रोप्रिएट यूनिट सेंटीमीटर हमने लगाया है। तो नंबर चेंज करने से क्या हुआ, यूनिट चेंज हो गया। तो क्या इसका वैल्यू, जो क्वांटिटी है, जो मेजरमेंट है, वो चेंज हो गया? नहीं, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो दूसरा एक प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं कि नंबर चेंज करने से यूनिट चेंज हो जाएगा, लेकिन मेजरमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है हम लोग यहाँ पे, कि छोटा नंबर रहेगा तो यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा नंबर रहेगा तो यूनिट छोटा होगा। आप चाहे तो यहाँ पे वैसे वर्षा भी लगा सकते हो, इसका उल्टा भी सही है, ठीक है ना। और दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग का क्या आया कि नंबर चेंज करने से यूनिट चेंज हो जाएगा लेकिन मेजरमेंट सेम रहेगा, ठीक है ना। चलो इसको आपके लिए अंग्रेजी में लिख सकता हूँ, विथ चेंज ऑफ नंबर यूनिट चेंजेस बट मेजरमेंट रिमेन्स सेम, ठीक है। और तीसरा मैं कह सकता हूँ, देखो तीसरा क्या कह सकता हूँ, देखो ये इसको मैंने बोल दिया n1, इसको बोल दिया u1, ठीक है, और यहाँ बोल दिया n2, और इसको बोल दिया u2, इसको इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, ठीक है ना। तो हमने मेजरमेंट में क्या पढ़ा जी, मेजरमेंट को एक्सप्रेस करेंगे m इक्वल टू nu, ठीक है। स्मॉलर द नंबर ग्रेटर इज द यूनिट एंड वाइस वर्सा, छोटा नंबर होगा बड़ा यूनिट होगा, बड़ा नंबर होगा छोटा यूनिट होगा, इसका उल्टा भी सही है, ठीक है ना। नंबर चेंज करने से यूनिट चेंज होगा लेकिन मेजरमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और n1 u1 इक्वल टू n2 u2, खास करके इस चैप्टर में आपको इसी से छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स बनेंगे। वैसे तुम लोग न्यूमेरिकल्स बहुत सारे देखने वाले हैं, उसके लिए तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलो एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो मान लो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू x मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। बोला गया है वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। ऑप्शन आपको डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ऑप्शन भी डाल दूंगा, वैसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको ये वाला कैसे यूज करेंगे हम लोग उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा दूँ, लिख लिया आपने, पॉज करके लिख लो, ठीक है ना। चलो तो इसको हम लोग कैसे करेंगे जी, लिखा हुआ 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू x मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। तो 90 किलोमीटर इंटू सेकेंड इक्वल्स टू x मीटर इंटू आवर, मजा आ रहा है। देखो कैसे छोटा छोटा चीज़ बता रहा हूँ आपको, 90 किलोमीटर सेकेंड और नीचे में क्या आ जाएगा भाई, मीटर इंटू आवर, ठीक है। हमें तो x निकालना है ना, तो x के साथ कोई यूनिट रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब ये सारी जो क्वांटिटीज है इनको कैंसिल करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, किलोमीटर को मीटर में लिख देता हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए ज़्यादा आसान है, मुझे याद भी है, ठीक है। इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर इंटू, भाई साहब एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। देखो तुम बोलोगे सर आपने इसको तो मीटर में चेंज कर दिया, तो आप इसको भी घंटे में चेंज कर दो, भाई चेंज कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन लोग घंटा को सेकंड में चेंज करना ज़्यादा आसान होगा ना, है कि नहीं। हाँ 3600 सेकेंड, देखा मुझे याद है ना। एक घंटे में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड, बाप रे बाप, इतना सारा सेकेंड होता है क्या घंटे में, तभी तो पार नहीं होता है। देखो तो कैंसिल हो गया, कैंसिल करो इसको, 0 0 कैंसिल हुआ, कितना हो गया जी,
हमारे हिसाब से तो 25 आ गया, x का वैल्यू कितना आया 25। अब देखो इसमें ऑप्शन में डालूंगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20, 25 मीटर पर सेकेंड, 25। क्या आंसर करोगे? देखो कुछ लोग तो आँख बंद कर इसी को टिक कर देते हैं, बोलेंगे 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 90 मीटर पर 25 मीटर पर सेकेंड, और खुश होकर आ जाएंगे भाई साहब, वहा भाई हो जाएगा, है कि नहीं। एक्स तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ठीक है, एक्स के साथ कोई भी नंबर रहेगा क्या? हमने आपको बताया ना मेजरमेंट क्या होता है, एम इक्वल्स टू एन यू, ठीक है। तो एन क्या है? नंबर है, सिंपल सा क्या है, ये नंबर है। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ऑप्शन में आपको ध्यान देना होगा, खैर ये तो छोटी बातें हैं, आपको पता है। चलो ठीक है, तो ये छोटा सा क्या था, एग्जाम्पल था, आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको, सॉल्यूशन लिख लो आप, पॉज कर लो। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना होगा क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जैसा कि आपने हमने आपको बताया कि मेजरमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं एम इक्वल्स टू एन यू से, ठीक है। तो इसमें जो एन है ना, एन को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं ना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मतलब मेजरमेंट में, सिंपल सी बात है यार, मेजरमेंट में जो नंबर रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने मेजर किया था लेंथ इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है, तो इसमें नंबर क्या है, 2 है, मैं बोलूँगा इसलिए इस मेजरमेंट में मैग्नीट्यूड क्या है, तो 2 मीटर है, ठीक है ना। मास इक्वल्स टू मैंने लिखा 50 kg, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, 50 है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, सॉरी मेजरमेंट में जो नंबर होगा क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड बताओ नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब कोई बोले लेंथ क्या है, -5 मीटर, सही है, मजाक कर रहा होगा वो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, कुछ लेंथ ही नहीं आया भाई साहब, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, 0 ही होगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, पॉजिटिव होगा, 0 हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि हम लोग जो मेजरमेंट में हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा ना, एम इक्वल टू एन यू, जो एन था, है ना, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग 10 के पावर में लिखना है, ठीक है ना, 10 के पावर में लिखना है। मैग्नी से मान लो 1000 है, तो 1000 को 10 के पावर में लिखते, 10 ओवर 3, तो 1000 का ऑर्डर क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब बेसिकली ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऑर्डर से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलता, लेकिन ये पता चलता है कि वैल्यू कितना बड़ा है, कितना छोटा है, है ना। जैसे मान लो किसी की सैलरी 3 डिजिट में है, तो कितना कमा रहा होगा, 100 कमा रहा होगा या फिर 999 रुपीज़ तक कमा रहा होगा, है कि नहीं। तो पता चलता है कि कितना अमीर है वो, है ना। किसी की सैलरी 10 डिजिट में होगा तो मुझे पता चलता है कितना भिखारी है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि हमें मैग्नीट्यूड को 10 के पावर के टर्म्स में लिखना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं फिर कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है ना। राइटिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इसके लिए कुछ स्टेप्स है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है राइट मैग्नीट्यूड इन साइंटिफिक नोटेशन, राइट मैग्नीट्यूड इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट बी इंटू 10 to the power n। ए पॉइंट बी इंटू 10 to the power n क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। किसी भी नंबर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। स्टेप टू क्या है, स्टेप टू में क्या क्या करते हैं ना हम लोग, कंपेयर ए पॉइंट बी विथ 3.16, ठीक है ना। इफ इफ ए पॉइंट बी इज लेस देन और इक्वल्स टू 3.16, ऑर्डर इज एन। मतलब ऐसा लिखने के बाद सबसे पहले क्या करना हम लोगों को,
मैग्नीट्यूड को इसके फॉर्म में लिख देना है, आपको चिंता नहीं करना है, मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद जो ए पॉइंट बी वाला टर्म है ना, इसको हम लोग 3.16 के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर वो ए पॉइंट बी 3.16 से छोटा है या फिर इक्वल है तो ऑर्डर जो होगा ये 10 के पावर जो दिख रहा है ना वही ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, डोंट वरी। और अगर ए पॉइंट बी अगर बड़ा हुआ 3.16 के साथ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा, मतलब ये जो पावर में है ना इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ स्टेप्स ऑर्डर लिखने के लिए, लेकिन इस फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा सा बेसिक बात है, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर आपको पता नहीं हुआ कैसे लिखते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है तो इसको इस ये पार्ट वाला को आप स्किप कर देना, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लोग। तो रूल ऑफ डेसिमल में पहला रूल है, और सेकेंड रूल होगा, इफ डेसिमल इज नॉट फाउंड इट इज फाउंड एट लास्ट प्लेस। चलो इस रूल को समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। बोला कि डेसिमल इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट द पावर ऑफ 10 इज इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेसेस जंप, एंड इफ इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट द पावर ऑफ 10 डिक्रीजेस, ठीक है ना। मतलब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई नंबर है 265.239 × 10⁵ है, ठीक है, तो इसमें हमें किस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए पॉइंट बी इंटू 10⁻ होता है, इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि डेसिमल हमें कहाँ चाहिए, डेसिमल हमें यहाँ पर चाहिए, मतलब एक नंबर के बाद चाहिए डेसिमल, ठीक है, मतलब डेसिमल इस नंबर में, ये वाला जो डेसिमल है ना यहाँ पर रहेगा तो अपना काम हो जाएगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हमने इधर की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है, तो शिफ्ट कर लेते हैं, जब डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो नंबर कुछ यूँ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10⁵ लिखा हुआ है, हमने डेसिमल किधर की तरफ शिफ्ट किया है, लेफ्ट किया है या राइट किया है, लेफ्ट की तरफ किया है ना, हाँ लेफ्ट की तरफ किया है, ठीक है, कितने से किया है, तो 1 2 दो डिजिट से हमें जंप करा दिया, ठीक है। तो अगर लेफ्ट किया होगा तो इस रूल में क्या बोल रहा है कि अगर इसमें लेफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा, कितने से, तो जितने से हमने जंप कराया है, ठीक है, तो 2 से इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2.65239 × 10⁷ है ना। अब ये नंबर जो होगा ना ये कंप्लीटली साइंटिफिक नोटेशन में हो गया, इस फॉर्म में हो गया, है ना। चलो दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो 0.00034 9 × 10⁵ कितना ले लो, बोलो -8 ले लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें डेसिमल कहाँ पे चाहिए, एक नंबर के बाद होना चाहिए ना, एक नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ये जो डेसिमल है ना यहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, मतलब मुझे इस डेसिमल को यहाँ पे उड़ा के लेके जाना है, ठीक है। चलो उड़ा लेते हैं, जब ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा तो नंबर हमारा इस तरह का दिखेगा 3.49 × 10⁻⁸, लेकिन पावर में कुछ करना पड़ेगा, देखो डेसिमल हमने किधर की तरफ शिफ्ट करा है, राइट की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट किया ना, कितने से 1 2 3 4 चार डिजिट से हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो इसमें हमने 4 से माइनस कर देंगे। देखो इस रूल में लिखा हुआ है कि इफ इट इज शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, है ना, पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, 4 से डिक्रीज हो गया, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट होगा क्या हो जाएगा, 3.495 × 10⁻¹2, ठीक है ना। मतलब अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर में ऐड कर देंगे, राइट शिफ्ट करेंगे तो पावर में माइनस कर देंगे, ठीक है ना। चलो अगर मान लो कि कोई ऐसा नंबर हो जिसमें पावर ही ना हो, ठीक है, पावर ही ना हो, इसमें तो कुछ पावर था ना, चलो ठीक है, पावर ना तो एक लिख लेते हैं, मान लो 1125.65 ऐसा है, ठीक है ना, इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, तो देखो तो इसमें पावर ही नहीं ना,
तो पावर नहीं तो पावर बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब कोई भी नंबर है उसमें आप वन से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें वन से मल्टीप्लाई करने मतलब टेन का पावर मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। अब देखो तो टेन का पावर आ गया ना, मस्त दिख रहा है आप तो, ठीक है। अब हम लोग कर सकते हैं, हमने सीखा इस डेसिमल को क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा। तो 1.12565 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बताओ, 1, 2, 3, 3 से क्या करना होगा, शिफ्ट करा है हमने, ठीक है। और किधर की तरफ किया है जी, लेफ्ट की तरफ किया है, तो लेफ्ट की तरफ किया तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो जीरो पहले से था ना, जीरो प्लस क्या कर देंगे 3, तो फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1.12565 इंटू 10 टू द पावर 3, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, है ना। अब ये कम्प्लीटली साइंटिफिक नोटेशन में है ना। चलो अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें ना ही पावर है और ना ही डेसिमल है, ठीक है। चलो ले लो 299458, ठीक है, चलो ठीक है इतना ही ले लो। अब इसमें कोई नंबर ही नहीं है, तो मतलब इसमें कोई डेसिमल ही नहीं है और ना ही पावर है, ठीक है, ना डेसिमल है और ना ही पावर है। तो मुझे पता है पावर तो बनाने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, पावर तो बना लेंगे। 10 टू द पावर क्या कर देंगे, जीरो, हमने पावर आपको बनाना सिखा दिया। कोई भी नंबर होगा पावर नहीं होगा तो 10 पर जीरो लिख देंगे, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें डेसिमल नहीं है, अब तो इसमें डेसिमल ही नहीं दिखेगा, पता नहीं चल रहा किधर तरफ शिफ्ट करना है हम लोगों, है ना। तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रूल 2, इफ डेसिमल इज नॉट फाउंड इट इज फाउंड एट लास्ट प्लेस, ठीक है ना। इसमें डेसिमल नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या मानेंगे कि डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट प्लेस पे है, है ना। हाँ, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इधर की तरफ यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिख दिया हमने, 2.99458 इंटू 10 टू द पावर 0, और हमने किधर की तरफ शिफ्ट किया मेरे बच्चा, 5 से शिफ्ट किया है ना, और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या हो गया रिजल्ट, 2.99458 इंटू 10 टू द पावर 5, नाउ दिस इज फाइनल रिजल्ट, है ना। इट इज़ कम्प्लीटली इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। देखो तो सारे नंबर हो गए ना, एक नंबर पर डेसिमल है, यहाँ भी एक नंबर पर डेसिमल है, यहाँ भी एक नंबर पर डेसिमल है, यहाँ भी एक नंबर पर डेसिमल है, है ना। हमने चार तरह का एग्जाम्पल लिया, एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें डेसिमल को शिफ्ट करना था लेफ्ट की तरफ, एक था जिसमें राइट की तरफ करना था, एक था जिसमें पावर ही नहीं था तो पावर बना लिया था, और एक था जिसमें नहीं पावर था और नहीं डेसिमल था, तो हमने दोनों बनाना सीखा, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको लिख लो आप, एग्जांपल्स को लिख लो, ठीक है ना, और अच्छे से समझ लो, पॉज करके लिख लो इसको, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब रूल ऑफ डेसिमल देखा, ठीक है। रूल ऑफ डेसिमल का फायदा क्या है कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, ये फॉर्म क्या कहलाता है, साइंटिफिक फॉर्म कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो रूल ऑफ डेसिमल आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। रूल ऑफ डेसिमल से जस्ट पहले मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का आपको तरीका बताया, आपको थोड़ा सा फिर से दिखाता हूँ कि वो तरीका क्या होता है। कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप वन में इस फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ए पॉइंट बी को कंपेयर करते हैं 3.16 के साथ, अगर ये छोटा होगा और इक्वल होगा तो ऑर्डर क्या होता है मेरे भाई, ऑर्डर होता है n, मतलब 10 का पावर जो होगा वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और a पॉइंट b ग्रेटर देन 3.16 होगा तो ऑर्डर हो जाएगा n प्लस 1, है ना, बढ़िया, ठीक है। चलो एग्जांपल दो चार करेंगे हम लोग कि हम लोग कैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लो 8864 मीटर, ये 6 स्टेप नहीं दिख रहा है, 8864 मीटर, ठीक है ना, कोई लेंथ है, आपको पता होगा शायद एवरेस्ट का चोटी का शायद हाइट है क्या, ठीक है। तो ये इसको, इसका हमने क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो क्या ये ये मैग्नीट्यूड है ना, हाँ मैग्नीट्यूड है ये, तो क्या ये मैग्नीट्यूड साइंटिफिक फॉर्म में है, साइंटिफिक फॉर्म में होने के लिए उसमें एक नंबर के बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद 10 का पावर कुछ होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैंने आपको बताया है रूल ऑफ डेसिमल में बताया है कि अगर आपको डेसिमल किसी नंबर में नहीं दिखे तो हम लोग डेसिमल कहाँ अज्यूम करते हैं, लास्ट प्लेस पर, ठीक है। तो 8864 को ऐसा करते हैं,
हमने ऐसा लिख दिया है ना, इसमें तो वो वाला एग्जाम्पल हो गया ना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था रूल ऑफ डेसिमल में कि 10 का पावर भी कुछ नहीं दिया रहे और डेसिमल भी नहीं दिया रहे, तो 10 का पावर हमने बना लिया और डेसिमल हमने अज्यूम करा कि यहाँ पे है, तो यहाँ से हम लोग शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिख दिया 8.864 इंटू 10 to the power, हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है तो 1, 2, 3, 0 + 3 तो कितना हो गया, 3 हो गया। नाउ दिस नंबर इज कम्प्लीटली इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब देखो तो ए पॉइंट वी क्या कहलाएगा, 8.86, तो 8.86 जो है ना ये 3.16 से क्या है, बड़ा है, है ना, बड़ा है। इसलिए ऑर्डर क्या होगा बता दो, ऑर्डर क्या होगा बताओ, अगर ए पॉइंट बी 3.16 से बड़ा होता है तो ऑर्डर क्या होता है, 10 का पावर जो दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 + 1, इसका पावर क्या है, 3 है ना, 10 का पावर 3 + 1, और ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लो आओ दूसरे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है 242.652 इंटू 10 to the power 6, ठीक है। ये कोई क्या है ना, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होगा कि डेसिमल हमारा यहाँ देखना चाहिए, चलो डेसिमल को हमने यहाँ करा, ठीक है। तो 2.42652 इंटू 10 to the power 6, और कितने से लेफ्ट, लेफ्ट ले गया ना, 1, 2, 3 प्लेस से ना, तो इसमें क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 2.42652 इंटू 10 to the power 9, है ना। अब देखो तो ए पॉइंट बी क्या है, 2.42 है, दो डिजिट तक लेंगे, है ना। तो 3.16 ये क्या है, छोटा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो 10 का पावर में रहता है, देखो तो 3.16 जब छोटा होता है ए पॉइंट बी, तो ऑर्डर क्या हो जाता है, तो 10 का पावर रहता है ना वही हो जाता है, मतलब एन हो जाएगा, मतलब एन क्या है यहाँ पे, 9 है ना, तो 9 हो जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, 0.006319 इंटू 10 to the power -5, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में बना लेते हैं, चलो बना लेते हैं। इस बार डेसिमल यहाँ पे है ना, ये डेसिमल कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, मतलब यहाँ से हमें यहाँ शिफ्ट करना है डेसिमल को, ठीक है, कर लो। तो 6.319 इंटू 10 to the power -5, 1, 2, 3, 4, 4 प्लेसेस से डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो राइट की तरफ शिफ्ट होने से पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है, वाह वाह, डिक्रीज हो गया, कितने से, 4 से, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इस नंबर को कैसे लिख देंगे, 6.319 इंटू 10 to the power -9, देखो तो 6.31 क्या है, 6.31 क्या है, 3.16 से बड़ा है, तो 3.16 से ये बड़ा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा कितना, एन में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे, -9 + 1, तो कितना हो गया जी, -8, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो आप एग्जांपल्स लिख लो, एक और एग्जांपल लूंगा। देखिए मान लो दिया हुआ 0.00031 इंटू 10 to the power, कितना ले लो बोलो, चलो 10 to the power 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो डेसिमल कहाँ चाहिए जी, यहाँ पे चाहिए, तो डेसिमल यहाँ उड़ाया, 3.16 इंटू 10 to the power 10। अब तो ए पॉइंट भी यही है, 3.16, 3.16 के साथ कंपेयर करना है ना, हाँ, तो क्या है, तो इक्वल आ गया ना, देखो तो इक्वालिटी रहने से क्या होता है, ऑर्डर वही हो जाएगा, है ना। तो इस बार ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो 10 का पावर है, 10 का पावर क्या, 10 है ना, तो 10 ही हो जाएगा, फाइन, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़े बताओ, इस पार्ट में हमने स्टार्ट किया था क्या, कहाँ से स्टार्ट किया था, फिजिक्स का डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, पहला पार्ट था ये, है ना, आई बस समझ में ना। तो हमने सीख लिया इसमें क्या निकालना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है।
तो ये पहला लेक्चर था यूनिट डायमेंशन का। इसमें हमने क्या क्या सीखा, फिजिकल डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीखा, जिसका नंबर यूनिट अटैच कर सकते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। और नंबर यूनिट अटैच करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एम इक्वल टू एन यू, है ना। इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, है ना, छोटा नंबर बड़ा यूनिट, छोटा यूनिट बड़ा नंबर, है ना, कुछ कुछ ऐसी चीज़ पढ़ा था ना, आप रिवाइज कर लेना, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मेजरमेंट जो एन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फिर मैग्नीट्यूड का ऑर्डर निकालने के लिए सीखा अभी जो हमने सीखा, ठीक है ना। और इसके बीच हमने क्या पढ़ा था, रूल ऑफ डेसिमल पढ़ा था, ठीक है। तो ये चैप्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, उसमें डाउट लिखो, एकदम इंस्टेंट सोल्यूशन आपको मिलेगा। या फिर फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना आरपीएम को, है ना, रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।